इन वीडियोस को शुरू करने से पहले ना मैं कुछ ना कुछ तो अलग बोल देता हूँ ऐसा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आज मुझे कुछ मिल नहीं रहा है कि मैं किसके बारे में बात करूँ, तो सीधा वीडियो ही शुरू करते हैं। तो आज मैं और कुछ सजेशंस को लेकर आया हूँ, मतलब आप लोगों के सजेशन जिनके बारे में मैं बात करूँगा, थोड़ा क्लासिक टाइप का। तो पहला सजेशन आप लोगों ने जो दिया था वो था बैक टू द फ्यूचर, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, एंड देन जुरासिक पार्क। तो इस वीडियो में भी आई ट्राई टू कीप इट इंटरेस्टिंग, आई होप यू लाइक इट, सो स्टे ट्यून्ड। तो जो पहला क्लिप है ये है फ्रॉम द मूवी बैक टू द फ्यूचर, एंड आई थिंक मतलब आर्ग्यूएबली दिस इज द मोस्ट फेमस सीन ऑफ दिस होल फ्रेंचाइज, इज दैट कि जो पहली बार कार टाइम ट्रेवल करता है, तो इस ये सीन कैसे प्ले आउट होता है कि कार उन लोग के तरफ आती है, मतलब जो डॉक्टर एंड आई थिंक मार्टी उन लोग के तरफ कार बहुत स्पीड में आती है, 88 किलोमीटर्स पर आर टू बी वेरी स्पेसिफिक, आई थिंक 88 माइल्स था। तो ये कार आती है एंड देन राइट बिफोर हिटिंग देम वो गायब हो जाती है एंड एक फायरी ट्रेल चला जाता है, एंड दिस इज हाउ द होल शॉट प्लेज आउट। बट यहाँ पे देखिए ये जो नेक्स्ट सीन है, मतलब ये जो कट है, यहाँ पे आप लोग को अभी देख के पता चलेगा कि दिस इज देर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग हेयर, मतलब कुछ तो एक गलत हो रहा है। हम लोग राय का पहाड़ नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बहुत पुरानी मूवी है, मतलब 80s की मूवी, ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स एगो, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी उस टाइप की नहीं थी, तो निटपिकिंग करके फायदा नहीं है। दिस इज अ प्योर टेक्निक ऑफ कंपोजिटिंग कि डॉक्टर एंड मार्टी को अलग से ग्रीन स्क्रीन में शूट करके फिर उनको इस फायरी शॉट में डाला गया है, एंड दे ट्राई टू डू सम मैनुअल रोटोस्कोपी हियर एज वेल टू मेक इट मोर कन्विंसिंग, बट दिस इज अ प्योर लाइक प्योर कंपोजिटिंग उस टाइम पे जो पॉसिबल था, इसलिए ना तो शेडोज है ना तो ये है। बट इस सीन को कन्विंसिंग करती है ये जो मिडिल कट है, ये कट, सी दिस इज अ कंपोजिट शॉट राइट, ये शॉट कंप्लीट कंपोजिट है, उसके बाद ये शॉट बिल्कुल कंपोजिट है, लेकिन ये जो बीच का एक कट उन लोगों ने डाला है, दिस इज द कट दैट सेल्स द सीन, क्योंकि अगर सीधा इस सीन के बाद अगर ये सीन डालते ना तो इट वुड लुक टोटली मतलब फेक, बट ये जो बीच का सीन है ये देखिए इन लोगों ने, वो कार नहीं गया है, मतलब दिस इज नॉट ए कार मूविंग, उन लोगों ने लिटरली वो तेल को बर्न किया है एंड यहाँ पे दो डमीज रखे हैं टू मेक इट मोर रियल। तो ये जो कट है, ये जो एडिटिंग है, दिस इज द मास्टरी ऑफ दिस सीन, दे नीड दिस शॉट टू सेल दिस सीन इन बिटवीन दीज टू शॉट्स, ये जो सेंस है दिस इज व्हाट द मास्टरी इज। एंड जब हम लोग कंपोजिटिंग की बात भी करते हैं, तो समथिंग अबाउट दिस कंपोजिटिंग जो मुझे अभी भी बहुत फैसिनेट करता है, इवन व्हाइल आई वर्क माई सेल्फ ऑन प्रोजेक्ट, क्या है कि देखिए अभी हम लोग एक स्क्रीन में जितनी भी चीजें देखते हैं वो सारी ना एक्चुअली एक फुटेज के ऊपर रखी गई हैं, दो इट फील्स लाइक कि वो एटमोसफियर का पार्ट है या फिर अंदर कहीं दूर है, बट द एंड ऑफ द डे क्या है कि उनको ऊपर ही रखा जाता है, कंपोजिट ही किया जाता है, बट दे मेक इट लुक लाइक कि ये अंदर है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो ये स्पाइडरमैन 3 का ये सीन है, यहाँ पे सैंडमैन ऊपर से आके नीचे गिरता है एंड देन ही रीचेस आउट फॉर द मनी, बट यहाँ पे देखिए ये एक ग्लिच है, सो ऑब्वियसली उन्होंने जो एक्टर है उनके हाथ को रिप्लेस किया है, बट रिप्लेस करते वक्त फॉर सम रीजन उन लोगों ने रोटोस्कोपी नहीं किया, यहाँ पे ना वो इल्यूजन ब्रेक हो जाता है आपका, आपको पता चल रहा है कि ओके दिस हैंड इज एक्चुअली कंपोजिटेड ऑन टॉप ऑफ हिम एंड फिर बाद में उसको ट्रैक किया गया है। सो दिस इज द मास्टरी, मतलब ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है अभी भी, एंड आई होप कि आप लोग को भी ये चीज़ उतना ही फैसिनेट करता है कि वी आर जस्ट पुटिंग समथिंग ऑन टॉप ऑफ समथिंग बट स्टिल मेकिंग इट लुक लाइक द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो लाइटिंग, कंपोजिटिंग, ये सब कुछ इसी में आता है। फिर आते हैं जुरासिक पार्क के बारे में, जुरासिक पार्क द होल प्रोसेस जो है ये सब के बारे में। तो सी व्हाट आई फील इज दैट कि ये जो मूवी थी जुरासिक पार्क, ये स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई थी, एंड कोई भी चीज स्पेशली इन दिस क्रिएटिव फील्ड, अगर आप कोई भी चीज को दिल से करते हो, इनोसेंस के साथ करते हो, तो वो ना बहुत अच्छा बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शूटिंग एट नाइट, मतलब अंधेरे रूम में शूट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जब मुझे DSLR का डी भी नहीं पता था, मतलब मुझे ये पता भी नहीं था कि DSLR वीडियो रिकॉर्ड कैसे करता है, तभी भी मी एंड रातुल, मेरे फ्रेंड का भाई है, हम दोनों एक बार अकेले थे एंड वी शॉट दिस थिंग, मतलब ये जो पूरा वीडियो हम लोगों ने रात को शूट किया था अंधेरे में, ये पूरा विदाउट नोइंग एनीथिंग हम लोगों ने शूट किया था। ना तो उसको ज़्यादा कैमरा आता था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन हम लोगों ने DSLR से ये पूरा शॉट, ये पूरा मूवी शूट किया विदाउट नॉइस, विदाउट कैसे किया मुझे नहीं पता, क्या सेटिंग्स कुछ भी नहीं पता, बट वी हैड द इनोसेंस कि हम लोग को नहीं पता एंड वी आर जस्ट ट्राइंग, वो इनोसेंस हम लोग के पास था, इसलिए ये वीडियो अभी इतना अच्छा बना। अगर आप मुझे अभी बोलोगे ना कि यार ऐसे करना है, तो मैं बहुत हज़ारों नखरे दिखाऊंगा कि अरे यार लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, ये नहीं है, ISO ज़्यादा हो गया, नॉइस आ गया, ये आ गया, बिकॉज मेरा वो इनोसेंस चला गया, आई लर्न दिस थिंग। तो वो जो चीज़ है ना, वो इस मूवी में बहुत अच्छे से हुआ है, बिकॉज स्टीवन स्पीलबर्ग जब ये मूवी बना रहे थे तो तब तक CGI उतना ज़्यादा
प्रोमिनेंट नहीं था इंडस्ट्री में, इन द वर्ल्ड, मतलब ये क्या इंडस्ट्री है, इन द वर्ल्ड CGI उतना वो नहीं था, मतलब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी उतना वो नहीं था. सो ही वॉज गोइंग फॉर स्टॉप मोशन, मतलब स्टीवन स्पीलबर्ग एक्चुअली स्टॉप मोशन ही करना चाहते थे. एंड ही डिड सम टेस्ट शॉट्स की बहुत सारा कुछ उन लोगों ने कर लिया था ऑब्वियसली उस टाइम तक. दो ही वॉज मेकिंग अ जुरासिक पार्क मूवी, उन्होंने पहले जॉस भी बनाई थी. और जॉस मूवी बनाते वक्त क्या हुआ था कि उस टाइम पे जो मैकेनिकल शार्क उन लोगों ने बनाया था वो शार्क ना उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा था. सो ही हैड टू मेक चेंजेस इन द स्क्रिप्ट की बिना शार्क को दिखाए वो लोग शार्क की मूवी बना रहे. मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जो शार्क की जो मूवी थी वो जॉस मूवी थी, वो पूरी 2 घंटे की मूवी थी जहां पे सिर्फ 4 मिनट के लिए शार्क निकलता है. यू कैन सी द शार्क ओनली फॉर 4 मिनट्स ऑन स्क्रीन. स्क्रीन टाइम मतलब इतना कम है. एंड द मूवी इज ऑल अबाउट दैट शार्क. तो आप सोचिए कि कितना मास्टरफुल एडिटिंग, कितना मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग किया होगा उन्होंने उस मूवी में. एंड दैट इज अ क्लासिक नाउ. तो उन्होंने वो सेम अप्रोच ना इधर भी लिया था, जुरासिक पार्क में भी लिया था, कि ही प्लान द स्क्रिप्ट एज सच कि बिना डायनासोर को दिखाए वो डायनासोर को दिखा दे. अगर आप लोग ये जो ओपनिंग सीन है जुरासिक पार्क का, ये अगर आप देखोगे तो आपको आपको मालूम चलेगा कि पूरा एक सीक्वेंस है जहां पे एक डायनासोर ने एक बंदे को खा लिया, लेकिन डायनासोर का क्या दिखता है, सिर्फ आंखें. सो दैट इज द अप्रोच ही टुक. बट तभी क्या हुआ था कि जो ILM इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक बहुत बड़ी कंपनी है, वो बहुत सारी मूवीज मार्वल के ऑलमोस्ट हर मूवीज का VFX का पार्ट, वो मेजर पार्ट वही करती है, इनफैक्ट DC का भी करती है. तो दिस इज अ वेरी बिग कंपनी. तो उस टाइम पे उस कंपनी ने स्टीवन स्पीलबर्ग को अप्रोच किया कि यू डोंट हैव टू डू इट इन स्टॉप मोशन बिकॉज वी कैन मेक इट CGI. एंड दिस इज द एक्चुअल टेस्ट फुटेज. ये एक्चुअल टेस्ट फुटेज है जो उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग को भेजा था. और स्टीवन स्पीलबर्ग ने देख के बोला कि अरे यार ये तो काफी अच्छा लग रहा है, दिस इज लुकिंग रियल, बेटर देन स्टॉप मोशन. तो अभी क्या हुआ कि सी स्टॉप मोशन बहुत पहले से इंडस्ट्री में आ रहा था एंड दे हैड देयर ओन, वो जो बोलते हैं रुतबा था, ठीक है. एंड दिस इज अ डायरेक्टर हु इज ट्राइंग समथिंग न्यू. अभी आप एक एस्टेब्लिश चीज को कैसे मना कर दोगे. सो ही कुडंट से नो टू द स्टॉप मोशन आर्टिस्ट, ठीक है. पर उनको चाहिए था CGI. अभी क्या किया जाए. सो दे इन्वेंटेड ए रिग. मतलब क्या हुआ था कि उन्होंने एक्चुअल में मोशन कैप्चर किया था. तो जितने भी आप एनिमेशन देखते हो ना यहाँ पे, वो एक्चुअली स्टॉप मोशन एनिमेशन नहीं है. जो स्टॉप मोशन आर्टिस्ट आके उन पपेट्स को एनिमेट करते हैं एंड वो जो एनिमेशन है वो ट्रांसलेट होता है CGI में, और बाद में जाके उसको CGI में हम लोग को स्क्रीन में दिखता है. सो जितने भी आप यहाँ पे एनिमेशन देखते हो ना, ये कुछ स्टॉप मोशन आर्टिस्ट ने बैठ के वो एनिमेशन किया है. दैट इज वाई दिस फील सो ऑर्गेनिक एंड सो रियल. एंड अभी बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमेंट्स में टाइप करना शुरू कर दिए होंगे कि दिस मूवी वॉज नॉट अबाउट CGI. यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल भी यूज हुआ था. आई नो कि यहाँ पे एक लाइफ साइज T-Rex उन लोगों ने बनाया था, फिर रैप्टर के सूट्स बनाए थे जहाँ पे लोग अंदर बैठ के फिर उनको एक्टिंग करवा सके. सो सी अभी मतलब जो होल पॉइंट है मेरा इस चीज़ को बोलने का, ये था कि दे डिडंट चेंज द स्क्रिप्ट. मतलब अगर उन्होंने वो स्क्रिप्ट जॉस की तरह लिखा था कि लेस इज मोर, ओनली बिकॉज कि वो ज़्यादा दिखा सकते हैं, डजेंट मीन कि उन्होंने दिखाया. तो उन्होंने वही बहुत सारा मतलब रियल, फिर CGI, फिर पपेट, ये सब कुछ यूज़ करके उन्होंने एक एक सीक्वेंस को बनाया, मास्टरफुल एडिटिंग किया, मास्टरफुल साउंड डिजाइनिंग किया. साउंड डिजाइनिंग के लिए उनको ऑस्कर भी मिला था. तो वो सब कुछ करके ये मूवी आया. एंड दैट इज वेयर मतलब ये एक डायलॉग है जो मैं इसी फ्रेंचाइज से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ओनली बिकॉज यू कैन डजंट मीन यू शुड. कि अगर आप कुछ कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो करना है. और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सी एडिटिंग इज लाइक मैजिक, राइट. एडिटिंग से आप कुछ भी, किसी भी चीज़ को कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप एडिटिंग से. लेकिन ये जो धर्मेंद्र का एक बहुत ही फेमस एक्शन सीक्वेंस है जो आप लोगों ने देखा होगा, तो देखिए अभी यहाँ पे क्या है ना, धर्मेंद्र आके 2 गुंडों को पीटता है, लेकिन दो सब लोग एक साथ एक फ्रेम में आते ही नहीं. दिस इज लाइक प्योर एडिटिंग. यहाँ पे देखिए आप एडिटिंग किए जा रहे हैं, एडिटिंग से ही पूरा सीक्वेंस बना दिया. ये नहीं करना चाहिए. ओनली बिकॉज यू कैन यू शुडंट, दिस इज नॉट हाउ यू डू इट. इसीलिए ना मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि यू शुड बी स्मार्ट, डोंट एक्ट स्मार्ट. ठीक है, आपको स्मार्ट एक्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर आप स्मार्ट हो तो वो दिखेगा ऑलरेडी. तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्टीवन स्पीलबर्ग वॉज स्मार्ट, लेकिन यहाँ पे जो था दे ट्राइड टू बी स्मार्ट. ठीक है, दे ट्राइड टू एक्ट स्मार्ट. अभी देखिए ये मैं किसी को ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा है, फिर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज द सिनारियो. ये जो धर्मेंद्र वाला सिनारियो है ये एडवर्टाइजिंग में हर रोज होता है हम लोग के साथ. ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये सीन हम लोग को मिलता तो सो द डिस्कशन वुड बी लाइक कि हम लोग शेड्यूल मैच नहीं कर पा रहे हैं एक्टर्स का, एंड द क्लाइंट इज नॉट रेडी टू पे फॉर मोर प्रॉपर शेड्यूल के लिए, क्लाइंट के पास बजट नहीं है, तो अभी क्या करना पड़ेगा. ठीक है,
तो अगर मैं एज ए क्रिएटिव पर्सन, अगर मतलब एज ए रियल क्रिएटिव पर्सन अगर मैं उस मीटिंग में हूँ, तो मैं ऑब्वियसली अपना जेन्युइन फीडबैक दूंगा कि दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर आप लोग ऐसा एक सीक्वेंस प्लान कर रहे हो तो देन दिस वॉन्ट वर्क, मतलब एडिटिंग से आप कितना ही कर लोगे। तो तभी कोई ऐसे सीनियर आके बोलेगा कि दिस इज द चैलेंज यू हैव टू ओवरकम। एंड आई लव दैट पार्ट कि जब कोई ऐसा बोलता है ना कि दिस इज द चैलेंज यू हैव टू ओवरकम, मतलब क्या ही बताऊं। एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि मुझे भी यही करना होता, एंड आई वुड डू एग्जैक्टली द सेम थिंग जो यहाँ पे हुआ है। तो किसी को जज नहीं करता मैं किसी को इसलिए जज नहीं करता बिकॉज एवरीथिंग हैज एन एक्सप्लेनेशन। कोई ना कोई तो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्टोरी रहा होगा, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि दिस इज स्मार्ट, दिस इज नॉट। एंड एडवर्टाइजिंग के बारे में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो ऐसा बोलता है, केसी नाइस्टर हिमसेल्फ सेज दैट माय करियर इन एडवर्टाइजिंग वाज बेसिकली डायरेक्टिंग रियली टेरिबल टीवी कमर्शियल्स दैट नन ऑफ यू हैव सीन। द वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग इज अ नाइस प्लेस टू विजिट बट अ बेटर प्लेस टू रॉब बिकॉज़ इट वाज जस्ट एन इजी वे टू गेट पेड फॉर मी बट आई वाज रियली एंबैरस्ड अबाउट द वर्क दैट आई डिड देयर बिकॉज़ What working it out? But anyway guys, I know कि recently मेरी videos में बहुत सारे कम clips के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे बहुत सारे clips के साथ बात नहीं कर रहा हूँ because channel is growing, बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं। I know कि my videos demand your viewing, मतलब मेरे videos को सिर्फ सुन के नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा to understand what I'm saying and everybody doesn't have that much of time कि 20 minute, 25 minute का एक video देख के वो करे, so I'm just trying to keep it a decent length. आई लव टू मेक लॉन्ग वीडियोज़, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली आप लोग के साथ, वो आप लोगों को पता ही है। बनाएंगे, थोड़ा लोगों को यूज टू हो जाने दीजिए, लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाएंगे। इनफैक्ट आई थिंक 40-45 मिनट का दो वीडियोज़ आएंगे कुछ दिनों में, सो दैट शुड बी इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड दिस वॉज शमीम, यू वॉचिंग की बाकी भी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।